गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास वन सटरडे एग्जाम इंग्लिश सटरडे एग्जाम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे देखो ये एग्जाम हमारा फिफ्टीन मार्क का था नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स ए नंबर द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स इन अ डेस्क रूम टीचर हम स्टूडेंट्स को कौन से रूम में पढ़ाते हैं क्लासरूम में सी एल ए एस एस क्लास यहाँ पहले डेस्क में होगा क्लासरूम ठीक है द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम बी नंबर प्रेयर्स एंड फंक्शन आर हेल्ड इन डेस्क हॉल हमारा प्रेयर्स कहाँ पे हम लोग करते हैं और फंक्शन कहाँ पे होता है असेंबली हॉल में एस एस ई एम बी एल वाई असेंबली एच ए एल एल हॉल प्रेयर्स एंड फंक्शन आर हेल्ड इन एन असेंबली हॉल सी नंबर द हेड ऑफ द स्कूल इज कॉल्ड द डेक्स हमारे स्कूल के हेड मेंबर को क्या बोला जाता है प्रिंसिपल पी आर आई एम सी आई पी एल प्रिंसिपल डी नंबर वेस्ट शुड ऑलवेज बी थ्रोन इंटू डेक्स वेस्ट सारा कचरा जो वो कहाँ पे फेंकनी चाहिए डस्टबिन में वेस्ट शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन टू डस्टबिन ई नंबर टीचर्स प्लान्स दे आर टीचिंग इन द डेस्क रूम ट्यंस रूम में टीचर्स प्लान करते हैं स्टाफ रूम में ठीक है नंबर टू फाइव मार्क राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स ए स्कूल इज ए प्ले प्लेस व्र वी गो टू प्ले एक स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग खेलने के लिए जाते हैं नहीं हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं ये फॉल्स है वी स्टडी इन द प्ले ग्राउंड हम लोग प्ले ग्राउंड में स्टडी करते हैं क्या ये फॉल्स होगा वही ई टेंट प्ले इन द दसेंबली हॉल असेंबली हॉल में हम लोग खाते हैं और खेलते हैं क्या नहीं असेंबली हॉल में क्या होता है फंक्शन होता है और हमारा जो प्रेयर्स होता है वहाँ पे होता है यहाँ पे एफ होगा द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल हमारे स्कूल के हेड मेंबर कौन है प्रिंसिपल ये टी होगा लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर बुक्स आर किफ्ट लाइब्रेरी का एक प्लेस है जहाँ पे बुक रहता है ये टी है यहाँ पे टी लिखना टी लिखना ठीक है ट्रू है मिसिंग लेटर ए सी डैक्स ओ एल क्या होगा ए सी एच ओ ओ एल स्कूल बी नंबर बी ओ डैक्स के बी ओ के बुक सी नंबर सी ए डैक्स टी ई एन क्या होगा कैंटीन सी ए एन टी ई एन कैंटीन नंबर डी यू एन डैक्स एफ ओ डैक्स एम यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म ई नंबर एफ डैक्स एन एफ डैक्स एन क्या होगा एफ यू एन फन स्कूल बुक कैंटीन यूनिफॉर्म और फोन ये वाला अपने अपने कॉपी में लिखना थैंक यू